झूले बच्चों, तो कल हमने डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा था और डिबेंचर किस तरह से रिडीम करेंगे तो और रिडेम्पशन का कितना कितना मेथड्स है, जो मेथड्स है उसके बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। फिर भी आपको रिकैप्चुलेशन के लिए हम बताएंगे, तो जब डिबेंचर को रीपेमेंट करने का टाइम आता है तो हमारे पास मेनली कितना मेथड रहता है, 4 मेथड रहता है, जिसमें से सबसे पहला है पेमेंट इन लमसम। जब कभी कंपनी किसी डिबेंचर होल्डर को एक ही झटके में लमसम मनी अगर उसको रीपेमेंट कर देते हैं तो उसको हम कहेंगे पेमेंट इन लमसम। तो दूसरा ऑप्शन रहता है कंपनी के लिए, अगर डिबेंचर होल्डर्स को इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत पूरा अमाउंट एक साथ रीपे ना करते हुए कुछ सालों के लिए इंस्टॉलमेंट में एक पोर्शन ऑफ द जो डेप्थ है वो हर साल रीपे करते हैं तो उसे हम कहते हैं पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट या ड्राइंग अ लॉट भी कह सकते हैं। और तीसरा है हमारे पास रिडेम्पशन बाय परचेजिंग इट्स ओन डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट, मार्केट से अपना डिबेंचर को खरीद लेना। तो ज़्यादातर पे क्या होता है कि ये जब मार्केट में अपना डिबेंचर फेस वैल्यू से कम अगर हमें मिलता है तो फिर कंपनी ये सोचता है कि इसमें हमें फ़ायदा है, इसलिए वो पहले से ही रिडीम कर देते हैं। और लास्ट चौथा हमारे पास मेथड रहता है कि डिबेंचर होल्डर्स को कोई शेयर देके या कोई नया क्लास ऑफ डिबेंचर देके हम रिडीम करते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसके तहत आपको और भी डिटेल में आपको समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, जब इशू करते वक्त हमारे पास क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑप्शन रहता है जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, तो एक ऑप्शन तो रहता है हमारे पास डिबेंचर को हम एट पार इशू करते हैं, दैट मीन्स जितना उसका फेस वैल्यू है उसी पे हम इशू करते हैं। सिमिलरली दूसरा हम करते हैं एट डिस्काउंट। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलेंगे अगर 100 रुपये डिबेंचर का, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है 100 रुपये अगर होगा, तो अगर हम 100 रुपये पे ही इशू करेंगे तो उसे हम कहेंगे एट पार। अगर 100 के बजाय 100 से कम, दैट मीन्स 95 रुपीज में हम अगर इसको हम इशू करेंगे तो उसे हम कहते हैं एट डिस्काउंट। सिमिलरली तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है एट प्रीमियम, एट प्रीमियम दैट मीन्स 100 फेस वैल्यू है, हम डिबेंचर इशू करते हैं 110 पे, दैट मीन्स 10 रुपये ज्यादा पे हम इशू करते हैं। अब इस सूरत में क्या होता है कि कंपनी को डिस्काउंट के टाइम पे कंपनी को लॉस होता है 5 रुपये का, प्रीमियम के टाइम पे कंपनी को 10 रुपये का गेन होता है। अब बात आता है रिडेम्पशन का। रिडेम्पशन के टाइम पे हमारे पास ऑप्शन सिर्फ दो ही रहता है, एक रहता है हमारे पास रिडेम्पशन एट पार और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अब किसी से हम जब लोन लेते हैं, जब उसको चुकाने की बारी आता है, तो मान लीजिए 100 रुपये किसी से हमने लोन लिया, 5 साल या 4 साल के बाद उसको 100 के बदले अगर हम 90 वापस करेंगे तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट मीन्स डिस्काउंट पे हम रिडीम नहीं करते हैं। तो हमारे पास रिडेम्पशन के टाइम पे सिर्फ दो ही ऑप्शन रहता है, रिडेम्पशन एट पार या रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो इन्हीं दोनों में से जब हम कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास 6 केसेस आ जाते हैं। तो 6 टाइप्स का हमें क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास इस तरह का केसेस बन सकता है, इशू एट पार रिडेम्पशन एट पार। इशू भी हम पार पे करेंगे और रिडेम्पशन भी हम क्या करेंगे, पार पे करेंगे। तो इशू ऑफ डिबेंचर एट पार या हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहता है रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ठीक उसी तरह से दूसरी एंट्री में हमें आएंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट पे इशू किया लेकिन रिडेम्पशन एट पार, हमने रिडीम किस पे किया, पार पे किया। और इसी से और एक बनेंगे इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो दो इससे बन गया। और तीसरा हमारे पास यहां से आएंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार,
इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो इस तरह से हमें कितना आएगा, 6 केसेस आएंगे। अब इसको हम एक क्वेश्चंस के हिसाब से आपको यहां पर समझाएंगे। ओके बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है, जनरलाइज द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ इश्यू एंड रिडेम्पशन। तो अक्सर होता क्या है कि जब हम पेपर में आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि काफी बार आ चुका है, लेकिन कभी कभी आपको एट द टाइम ऑफ इश्यू के टाइम पे आपको जनरलाइज करने के लिए कहा होता है, कभी रिडेम्पशन के टाइम पे होता है। तो हम इस क्वेश्चन में दोनों कर देते हैं, तो जिससे आपको और भी क्लियरिटी आ जाएंगे। तो इश्यू और रिडेम्पशन के टाइम में टाइम पीरियड होगा कम से कम 4 या 5 साल या 2 साल, जो भी हो आप अपना टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है, ए डिबेंचर इशूड एट ₹100, 100 पे हमने इशू किया, रीपेबल एट 100, दैट मींस इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। सिमिलरली ए डिबेंचर इशूड एट पार, दैट मींस 100, रीपेबल एट प्रीमियम। एक केस इस तरह से बन सकते हैं। दूसरा, सिमिलरली ए डिबेंचर इशूड एट ₹95, दैट इज एट डिस्काउंट पे हमने इशू किया और इसको हमने रिडीम किया एट पार। और इसी तरह से ए डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट ₹95 पे हमने इशू किया और इसको रिडीम कर रहा है प्रीमियम पे। थर्ड केस में हमारे पास आएगा, ए डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, दैट इज 110 पे हमने इशू किया और ₹100 में इसको रिडीम किया। और लास्ट हमारे पास रहता है, ए डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। प्रीमियम पे भी इशू किया और रिडीम भी हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो इसका जर्नल एंट्रीज इस तरह से आएंगे। सबसे पहले वाला तो आसान है, इसमें हम यहाँ पर इशू के वक्त जो हमारा एंट्री आएंगे वो लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे रिडेम्पशन के जो टाइम पे, इसको हम दो क्वेश्चन में बांध देंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इशू के वक्त बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज ₹100। उसके बाद यहां पर आएंगे, सेकेंड आएंगे परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी हम लिख सकते हैं, इसको हम डेबिट करेंगे ₹100 टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट ₹100। ये सिंपल सी बात है, जैसे ही हम जब इशू करते हैं हमें पैसा आ जाता है डिबेंचर एप्लीकेशन का, उस टाइम हमारे पास एंट्री रहेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और जब अलॉटमेंट के टाइम पे फिर डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डिबेंचर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब आप रिडेम्पशन के टाइम पे क्या होगा जी, 5 साल के बाद या 4 साल के बाद जब हम रिडीम करेंगे उस टाइम क्या करेंगे, इसी एंट्री को हम क्या करेंगे, दोबारा से वापस करेंगे। तो यहां पर डिबेंचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। आप यहां पर लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू करेंगे हम डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, दैट मीन्स ₹100 और ₹100। फिर जब पेमेंट के वक्त आएंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये हमने कल किया था तो आप लोगों को पता होगा। ये हमारा फर्स्ट केस का जर्नल एंट्री था। सिमिलरली अब सेकेंड हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्या किया हुआ है कि इशू हम पार पे कर रहे हैं लेकिन रिडीम हम कर रहे हैं 110 पे, दैट मीन्स प्रीमियम पे। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज हमने इशू किया है पार पे ₹100
और 100 रुपीज़। फिर आएगा इशू के टाइम पे परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री आएगा परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ये हमारे पास आएगा जी, 100 रुपीज। टू हम लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, इसमें ट्रांसफर करेंगे कितना 100। आप यहां पर क्या लिखा है कि रिडम्पशन के वक्त हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा देना होता है, तो उसके लिए हम यहां पर और एक एंट्री भरेंगे क्रेडिट सेट पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दैट इज कितना है 10 रुपए। अब डेबिट सेट और क्रेडिट सेट टेली नहीं हो रहा है, यहां पर 100 रुपए बन रहा है लेकिन यहां पर 110। तो जो 10 रुपए हमें एक्स्ट्रा पे कर रहा है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, उसको हम लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसको हम डेबिट करके यहां पर 10 रुपए लिखे 110 110, दोनों हम क्या करेंगे टैली करेंगे। आप इसी केस को जब 5 साल के बाद या 4 साल के बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा रिडम्पशन के वक्त हम क्या करेंगे, इसका एंट्री रहेगा जो हमने कल बताया था, दैट इज परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसको भी हम डेबिट करेंगे। टू करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट, दैट मीन्स 100 रुपये डिबेंचर से 10 रुपये प्रीमियम से टोटल डिबेंचर होल्डर को कितना मिल रहा है 110। अब जब पेमेंट के बारे आएंगे फिर वही होगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे, टू करेंगे बैंक। सिंपल सी बात है, इशू के वक्त डिबेंचर और प्रीमियम रिडम्पशन दोनों क्या हो रहा था क्रेडिट हो रहा था, जब रिडम्पशन के वक्त आ जाता है उनको हमने क्या किया डेबिट किया और डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया। इसके बाद डिबेंचर होल्डर को डेबिट करके बैंक के थ्रू हमने क्या किया इसको पे किया, कितना रुपीज पे किया दैट इज 110। तो स्पेस की वजह से तो हम क्वेश्चन को अभी यहां पर लिख लिया है। तो यहां पर है डिबेंचर इशू कर रहा है डिस्काउंट पे रीपेबल कर रहा है पार पे, डिबेंचर इशू कर रहा है डिस्काउंट पे रीपेबल कर रहा है प्रीमियम पे। तो इसका इशू के वक्त और रिडम्पशन के वक्त जो एंट्री आएंगे हम यहां पर अभी आपको लिखेंगे। तो सबसे पहले वही होगा बैंक अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे, टू लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज 95 रुपीज पे हमने इशू किया था। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, टू करेंगे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो 95 रुपीज हमारे पास है लेकिन डिबेंचर को कितना देना है 100 देना है, जो 5 रुपए जो कम हो गया उसको हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिटेड, दैट इज 5 रुपीज। अब रिडम्पशन के वक्त क्या होगा, सिंपल वही, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वाला बात नहीं है। डिबेंचर को हम क्या करेंगे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट दैट इज 100 रुपीज, उसको हम क्या करेंगे डिबेंचर होल्डर्स जब अमाउंट ड्यू हो जाता है। जब पेमेंट की बारी आएंगे फिर वही डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू लिखेंगे बैंक 100 रुपये और 100 रुपये। ये जो हो गया ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस में हमारा क्या एंट्री रहेंगे, सेम इशू तो हम कर रहे हैं 95 पे लेकिन रिडम्पशन हो रहा है 110 पे, इसमें 10 रुपये एक्स्ट्रा देके हमें क्या करना होता है रिडम्पशन
तो सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, दैट इज 95 रुपीज में। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95। आप इसको जब अलॉटमेंट के वक्त, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ से कितना रुपया उसको मिलेगा, 95 रुपीज मिलेगा। यहाँ पर स्पेस छोड़ दीजिए, इसके बाद हम कुछ इसमें एंट्री लिखेंगे। 2% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर को तो कितना देना है, 100 रुपये देना है। अब रिडम्पशन के वक्त 10 रुपये एक्स्ट्रा देना है ना, तो उसको हम यहां पर लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दैट इज 10 रुपये, उसको 10 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना है। आप देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में क्या फर्क है, यहां पर 95, यहां पर 110, तो 15 रुपीज क्या हो गया, 5 रुपये तो हो गया डिस्काउंट का लॉस और 10 रुपये हो गया रिडम्पशन का लॉस। फिर दोनों को हम कंबाइन करके यहां पर लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, सॉरी, दैट इज ₹15। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, टैली हो गया। फिर रिडम्पशन के वक्त वही परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, इसको हम करेंगे डेबिट प्रीमियम। अब इसको प्रीमियम पे हम क्या करना है, रिडम्पशन करना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसको भी डेबिट करेंगे, 100 रुपये डिबेंचर से आएंगे, 10 रुपये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन से आएंगे, 2 आएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर को कितना मिल रहा है, 110। फिर पेमेंट के वक्त वही सिंपल सा एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, 2 करेंगे बैंक, उसको मिल गया जी 110। तो ये था कुछ इंटरेस्ट। अब इसके बाद फिर हमारे पास लास्ट जो दो ऑप्शन है उसको हम बनाएंगे। लास्ट केस हमारे पास रहता है डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम रीपेबल एट पार, इश्यूड एट प्रीमियम रीपेबल एट प्रीमियम। तो इसका एंट्री रहेगा, इशू के वक्त हमारे एंट्री रहेंगे दैट इज बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, फिर क्रेडिट करेंगे परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इशू ही उसने क्या किया, 110 पे किया, दैट मीन्स आप इसमें से जो 10 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है कंपनी के लिए क्या है, बेनिफिट है। इसके बाद इसको हम चेंज करेंगे परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। हमारे पास आया है 110, डिबेंचर को दे रहे हैं हम 100। अब जो 10 रुपये उसने एक्स्ट्रा लिया उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट मीन्स 10 रुपये। तो इस इशू के टाइम हम ये जनरल इंटरेस्ट करेंगे, और रिडम्पशन के टाइम पे क्या करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इसमें सिर्फ उसको क्या देना है, 100 रुपये ही देना है। और जब पेमेंट के वक्त आएंगे वही एंट्री फिर रिपीट होगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट उसको हम डेबिट करेंगे, 2 करेंगे बैंक करेंगे, 100 रुपये देके इसको मसला हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। देन अब नेक्स्ट हमारा है डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम रीपेबल एट प्रीमियम। इसमें होगा जी वही इसी तरह से बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसमें क्या करेंगे 100
दस पे हमने इशू किया, टू लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज 110। अब जब इसको अलॉटमेंट के वक्त आएंगे तो यहां पर हमारा एंट्री रहेगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, फिर होगा जी टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू होगा। आप देखिए यहां पर आप रीपेबल 110 पे कर रहे हैं, दस रुपए को एक्स्ट्रा देके रिडीमशन करने जा रहे हैं, दस रुपए ऑलरेडी इशू के वक्त उसने लिया हुआ है। अब इशू के वक्त जो दस रुपए लिया हुआ उसके लिए हमारे पास एंट्री बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर को तो हमने देना है 100, दस रुपए अपने सिक्योरिटी प्रीमियम में डालना है, और टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन, प्रीमियम ऑन रिडम्शन, दैट मीन्स ये दस रुपए कंपनी के लिए घटा है, कंपनी को दस रुपए एक्स्ट्रा पे करने जा रहा है। अब जब हम टैली करेंगे तो यहां पर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टैली करेंगे तो दस रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब ये दस रुपए क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि रिडम्शन के वक्त हमें दस रुपए एक्स्ट्रा देना होता है। इस दस रुपए को हम क्या मानेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसको हम यहां पर क्या करेंगे डेबिट करेंगे, इसको लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिसको हम डेबिट करेंगे कितना दस रुपए से, सॉरी तो 120 और 120। आप इसका रिडम्शन के वक्त हमारा एंट्री बनेगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, दैट इज कितना डेबिट करना है हमने 100 रुपए, और प्रीमियम ऑन रिडम्शन इसको डेबिट करना है कितने से 10 रुपए से, टू किसको देना है डिबेंचर होल्डर को देना है, That is 110। फिर जब पेमेंट के बारे आएंगे वही एंट्री रिपीट होगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड डेबिट इट टू बैंक, टू बैंक, दैट इज 110। तो ये हो गया हमारा खत्म एंट्री। तो ये लास्ट केस में बनेगा दो एंट्री, जिसमें इश्यू भी प्रीमियम पे किया, रिडेम्पशन पार पे किया, इश्यू प्रीमियम पे किया, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे किया। तो इसमें यही कुछ एक बातें आपको याद रखना होगा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, इसमें हमने क्या किया था 6 केस किया था, जो कि इशू के टाइम पे भी हम करते हैं और रिडम्पशन के टाइम पे भी करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में आ चुका है, तो आपको दोनों तो क्वेश्चन आपको बनाने की जरूरत नहीं होगा। कभी कभी आप इशू का जनरल इंटरेस्ट पूछा जाता है, तो कभी कभी रिडम्पशन के वक्त कौन कौन सा जनरल इंटरेस्ट होगा वो पूछा जाएंगे। तो इसके बाद आज का टॉपिक हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे, तो कल फिर नया एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए जुलिस सलाम।